असलमैलैक्म गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर गए हैं तो मेरा नाम है आमना आई डू मेकअप टटोरियल एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी तो जैसे कि आपको थम नल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज आपके साथ मैं अपनी मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन शेयर करूँगी जो कि पार्टी मेकअप के लिए और ब्राइडल्स वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट है तो चले जी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स द टोरियल नहीं रिव्यू तो जी जिस फाउंडेशन की हम बात करने वाले हैं वो है एमरिच की सेल्फी रेडी फाउंडेशन ठीक है और पहले ही मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी चीज़ की मैं तारीफ़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है वो वीडियो स्पॉन्सर्ड है तो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी मैं बता देती हूँ और जो चीज़ बुरी लगती है वो भी मैं बता देती हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऑनेस्ट हूँ इससे पहले मैं एमरिच की ये फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन भी यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन आज जो है हम सेल्फी रेडी की बात करेंगे अब मैं आपको वो सारे पॉइंट्स वगैरह बताती हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन जो है पार्टी मेकअप के लिए आइडियल है ठीक है बाद में मैं आपको जो है सामने अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, डेमो देके भी दिखाऊंगी अभी जो है मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जिस वजह से ये मुझे पसंद है सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस फाउंडेशन की फिनिश सैटन है सैटन फिनिश वो होती है जो कि मैट और ग्लोई के दरमियान में होती है सैटन फिनिश की बेस ना ही मैट की तरह फेस को फ्लैट लुक देती है और स्किन को ड्राई लुक भी नहीं देती और ना ही ग्लोई बेस की तरह बहुत ज़्यादा शाइन ऐड करती है वो परफेक्टली दरमियान में होती है जिसकी वजह से वो ऑल स्किन टाइप्स पे चल सकती है ड्राई पे नॉर्मल पे कॉम्बिनेशन पे ऑयली पे ऑल स्किन टाइप्स पे चल जाती है और गर्मी सर्दी पूरा साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सलॉन्स में भी ज्यादातर जो है ना नाइन्टी परसेंट सेट फिनिश की बेस बनाई जाती है क्योंकि वो ऑल स्किन टाइप्स पे चल जाती है पूरा साल चल जाती है और वो अगेन वही बात कि ना ही वो शाइनी लगती है ना ही वो मैट दरमिया होती है इसलिए जो है सैटिन फिनिश की बेस परफेक्ट होती है पार्टी मेकअप के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी अब्जॉर्बिंग पावर बहुत कमाल है एक बेस की अब्ज़ॉर्बिंग पावर अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब्जॉर्बिंग पावर मतलब एक बेस जो है स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए अब जैसे कि कोई फ़ाउंडेशन है जो स्किन में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं होती आप उसको ब्लेंड करते भी रहेंगे ना तो वो स्किन में अब्ज़ॉर्ब नहीं होगी आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि स्किन के ऊपर जो है एक लेयर सी जम जाएगी जो फाउंडेशन uh, अब्जॉर्ब नहीं होती ना फिर वो क्या होता है कि स्किन के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है जिस वजह से लगता है मेकअप बहुत ज़्यादा केकी लगता है और ऐसा लगता है आपने पता नहीं कोई नकली स्किन की लेयर चढ़ाई हुई है इसलिए अच्छी अब्जॉर्बिंग पावर जब होगी फाउंडेशन की आपको ब्लेंडिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्किन में जो है फ़ाउंडेशन जल्दी से मेल्ट हो जाएगी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस लगेगा और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा बात कर लेते हैं इसकी कवरेज की ये देती है आपको मीडियम टू फुल कवरेज ये मैं आपको बता दूँ कि इसकी कवरेज बहुत हाई नहीं है लेकिन इसका फार्मूला बिल्डेबल है बिल्डेबल से मुराद जैसे आपने फाउंडेशन लगा ली आपको लग रहा है कि अभी कवरेज थोड़ी कम है तो आप थोड़ी और फाउंडेशन ऐड करके उसको फुल कवरेज बना सकते हैं और वैसे भी जब पार्टी मेकअप में कलर करेक्टिंग भी होनी होती है कंसीलर भी लगना होता है जो ओवरऑल जो है ना बेस फुल कवरेज हो ही जाती है जहाँ पे मैं आपको इसकी कवरेज टेस्ट करवा देती हूँ मैंने डार्क ब्राउन से कलर का निशान लगा दिया है ये देखने के लिए कि क्या फ़ाउंडेशन जो है इसको कवर कर पाएगी अगर फाउंडेशन ने इसको कवर कर दिया इसका मतलब है कि स्किन पे भी हमारी पिगमेंटेशन और एक्नी के स्पॉट्स को ये कवर कर पाएगी अब आप देख सकते हैं फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो है मैंने फ्यू ड्रॉप्स अप्लाई किए हैं और मैं ब्लेंड कर रही हूँ काफ़ी हद तक जो है निशान कवर हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अभी भी नज़र आ रहा है तो हम इसको बिल्डअप करेंगे फाउंडेशन को थोड़ी सी जो है बेस और अप्लाई करेंगे और उसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है बिल्डेबल होने का यही फायदा है अगर आपको लगे कवरेज का मैं तो आप और ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन में जो है बिल्डअप करने पे वो निशान पूरी तरह से कवर हो गए है जो कि पार्टी मेकअप के क्लाइंट्स के, के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और जिन ब्राइड्स को भी ज्यादा हैवी बेस नहीं पसंद आजकल बहुत सी ब्राइड्स जो हैं यही प्रेफर करती हैं कि बेस बहुत ज्यादा हैवी ना हो और स्किन लाइक -like लगे उनके लिए भी ये बहुत परफेक्ट है और अगर बिलफर्ज़ आपने कोई बारात या वलीमा हैवी ब्राइडल मेकअप करना ना हैवी बेस भी बनानी है तो आप इसको क्राइलॉन की टीवी पेंट स्टिक में भी मिक्स कर सकते हैं ज़्यादातर सेलॉन्स जो है ना कभी भी क्राइलॉन की स्टिक खाली नहीं लगाते हमेशा लिक्विड फाउंडेशन मिक्स करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है ना क्राइलॉन के साथ मिक्स करके भी बहुत अच्छा आएगा और इन बहुत जल्द मैं आपको इसको क्राइलॉन में मिक्स करके भी दिखाऊँ इसको जो है आप एक तरह से मैक का ड्यूब भी कह सकते हैं मैक की जो स्टूडियो फिक्स फ्लूड फाउंडेशन है वो सलॉन्स और पॉलर्स वगैरह में बहुत पॉपुलर है लेकिन उसकी प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा है एट थाउजेंड उसकी प्राइस है अब वो भी पॉपुलर क्यों है क्योंकि उसकी भी सैटन फिनिश है मीडियम टू तो फुल कवरेज है और इसी तरह बिल्डेबल फार्मूला है जिस वजह से वो केक ही नहीं लगती और ये भी बिल्कुल वही चीज़ है और ये आपको उससे आधी से भी कम कीमत में मिल जाएगी वो एट थाउजेंड की है और ये ट्वेंटी एट हंड्रेड की है ओरिजिनल प्राइस सेल लगी हो तो आपको ट्वेंटी थ्री हंड्रेड की भी मिल जाएगी ठीक है तो आप इसको मैक का भी ड्यूब कह सकते और तो और इसका और एक बहुत प्लस पॉइंट ये कि ये बहुत ही स्मूद लगती है इसका जो स्मूदनिंग इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है मतलब कि अगर आप इसको किसी टेक्स्टर्ड स्किन पर भी अप्लाई करेंगे ना जैसे जिन लोगों के पिम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं बम्प्स होते हैं ओपन पोर्स होते हैं तो उनकी स्किन को जो है ना ये काफ़ी स्मूद लुक देगी मैंने खुद इसको दूसरों पर भी अपने क्लाइंट्स पर भी यूज़ करके देखा है और टेक्स्टर्ड स्किन को भी जो है ना ये बहुत ही स्मूथ लुक देती है और सेपरेट भी होती। Lastly, बात कर लेते हैं कि क्या ये है के नहीं मैंने इसको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन एक बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्रोडक्ट्स के साथ साथ टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप मेकअप गलत तरीके से अप्लाई करेंगे तो अच्छी से अच्छी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी अब क्योंकि शादी सीजन चल रहा है और शादियों पर शादियाँ हो रही हैं तो बहुत जल्द इन शाला इन शाला मैं आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाने का तरीका सिखाऊंगी उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आपको प्रॉपर करके नोटिफिकेशन मिल जाए वेयर टेस्ट मैंने डिफरेंट डे पे किया था तो मेरा मेकअप भी डिफरेंट है यहाँ पर मुझे मेकअप अप्लाई किए हुए दो घंटे हो गए और आप देख सकते हैं अभी तो मेकअप बिल्कुल फ्रेश लग रहा है और इस दूसरे क्लिप में मुझे मेकअप अप्लाई की हुए पाँच घंटे हो गया ना ही ज़्यादा ऑयल आया है ना ही ज़्यादा क्रीजेस पड़ी हैं बेस सेपरेट भी नहीं हुई और अभी भी बिल्कुल फ्रेश लग रही है आप क्लोजअप भी देख सकते हैं पाँच घंटे बाद का कि बेस कितनी स्मूथ लग रही है फाउंडेशन तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है अब मैं आपको बेस सामने अप्लाई करके दिखाती हूँ तो जी मैंने फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ कर लिया पहले मैंने डर्मी वी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था और उसके एक मिनट बाद जो है मैंने बी का गोल्ड सीरम अप्लाई किया था स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए अब जो है हम प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं मैं यूज़ करूँगी क्राइलॉन का एच माइक्रो प्राइमर लेकिन मैं प्राइमर सिर्फ एक साइड पर अप्लाई करूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि बेस जो है ना सिर्फ प्राइमर की वजह से अच्छी लग रही है तो मैं दोनों तरीके से आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ आप प्राइमर के साथ भी रिजल्ट देख लें और प्राइमर के बगैर साइड पर मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ लेकिन ये बेस जो है ना ये इसका रिज़ल्ट प्राइमर के बग़ैर भी बहुत अच्छा आता है प्राइमर के बाद मैं एले गर्ल के येलो करेक्टर के साथ कलर करेक्टिंग कर लूँगी अब क्योंकि आज की वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है इसलिए मैं हर स्टेप को जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ आज की वीडियो जो है बेस की रिव्यू वीडियो है लेकिन मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने बेस से पहले ये भी लगाया है और आप ये ना कहें कि मैंने चीटिंग की है फिर जी बेस को अच्छे से शेक करके मैं ऑलमोस्ट टू पम्प्स ले रही हूँ और शेड जो मैंने यूज़ किया है बेस का वो है ज़ीरो फाइव ये जो है मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच है और मैं फ्लैट ब्रश की मदद से फाउंडेशन को जो है पूरे फ़ेस पे फैला रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ब्रश यूज़ करें फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरा जो है थोड़ा सा फैंसी होने का दिल जा रहा था इसलिए मैंने ब्रश यूज़ किया है ख़ुद भी ज़्यादातर फिंगर की मदद से अप्लाई करती हूँ लेकिन फ्लैट ब्रश जो है ना उसके साथ फाउंडेशन पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड हो जाती है के बाद मैं ये हल्का सा गीला हुआ हुआ ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इसके साथ जो है मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है ब्लेंडिंग में जो है थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है चाहे अच्छी बेस ही क्यों ना हो उसको भी आपको थ्री टू फोर मिनट्स तो ब्लेंड करना ही पड़ता है वरना बेस जो है ना अच्छी नहीं बनती तो थ्री टू फोर मिनट्स जो है मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया पर आप देखें कि अभी मुझे ब्लेंड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक दो मिनट ही हुए हैं लेकिन बेस जो है कितने अच्छे से स्किन में मेल्ट हो गई है अब्जॉर्ब हो गई है और कितनी जो है स्मूद लग रही है आप देख सकते हैं कि इसकी जो सैटिन फिनिश है कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये मैट लग रही है ना ये ग्लोई लग रही है स्किन के ऊपर जो है अच्छे से स्टिक भी हो गई है और हल्की हल्की सी जो है ना ग्लो भी दे रही है जिस वजह से स्किन हेल्दी लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं लग रही फिर मैं क्राइलॉन का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और इसके साथ मैं अपनी टी जोन एरिया को जो है हाईलाइट कर रही हूँ बेसिकली जो पार्टी मेकअप के स्टेप्स होते हैं वही मैं फॉलो कर रही हूँ अगर आप भी पार्टी मेकअप डिटेल के साथ सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और बहुत जल्द जो है ना पार्टी मेकअप की और भी डिटेल्ड इन्फॉमेशन मैं शेयर करूँगी जो कि पॉलर्स में यूज़ की जाती हैं टेक्निक्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके बाद मैंने ऑफ़ कैमरा क्रीम कंटोर कर लिया था और मैं फ़ेस को लूज़ पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ फ्लोर मार का लूज़ पाउडर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ ठीक है और इसके साथ मैं फ़ेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और जी ये है फ़ाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने कोई ब्लरिंग फिल्टर नहीं लगाया हुआ कोई एडिटिंग किया हुआ और आप देख सकते हैं बेस कितनी स्मूथ और फ्लॉलेस और नॉन केकी लग रही है और ये जो मैंने आई मेकअप किया हुआ है गोल्डन एंड सिल्वर में इसका भी बहुत जल्द ट्यूटोरियल आने वाला है ओवरऑल ये बेस मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी और अगर आप वैसे आप अपने आने जाने के लिए है चाहते हैं तो तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी ठीक है जी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी आज की वीडियो से आपकी नॉलेज में किसी भी किस्म का इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगली लुक के साथ अगले ट्यूटोरियल के साथ रिव्यू के साथ अल्लाह हाफिज़